टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। बुलंदशहर की औरंगाबाद पुलिस की उस वक्त बाइक सवार इनामी से मुठभेड़ हो गई जब बदमाश क्षेत्र में किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। मुठभेड़ में दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई जिसमें बदमाश की एक गोली मनीष शर्मा नाम के सिपाही को लग गई, जबकि जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में पुलिस की एक गोली 25,000 के इनामी बदमाश मनीष उर्फ एंडा को लग गई। पुलिस की माने तो घायल इनामी पर लगभग एक दर्जन संगीन मामले दर्ज हैं, जबकि पुलिस ने घायल इनामी से एक तमंचा, दो जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस और एक बाइक बरामद की है। बता दें कि औरंगाबाद पुलिस को मुखबिरी से देर रात सूचना मिली थी कि बाइक सवार बदमाश क्षेत्र में किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। पुलिस ने जब आरोपी की घेराबंदी की तो बदमाश की ओर से पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिसमें बुलंदशहर पुलिस का एक सिपाही गोली लगने से घायल हो गया। वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से की गई फायरिंग में गोली लगने से इनामी मनीष उर्फ एंडा घायल हो गया। इरा थाना औरंगाबाद क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात अपराधी मनीष उर्फ एंडा, जिसके विरुद्ध एक दर्जन से अधिक लूट चोरी आदि के मुकदमे दर्ज हैं, क्रॉस फायरिंग के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल, जिसे उसने हापुड़ से चुराना बताया है, तमंचा, कारतूस आदि बरामद हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस अभियुक्त पर 25,000 रुपये की पुरस्कार राशि पूर्व से घोषित थी तथा एक कुख्यात किस्म का शातिर लुटेरा और चोरी दोनों तरह की घटनाओं को करने वाला अभियुक्त था। क्रॉस फायरिंग में हमारा एक कांस्टेबल भी इस प्रकरण में घायल हुआ है, जो खतरे के बाहर है। फिलहाल आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल घायल सिपाही और इनामी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है और पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि घायल इनामी क्षेत्र में किस वारदात को अंजाम देने के लिए निकला था। बुलंदशहर पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी, एक बार फिर बोली पुलिस की गोली, पुलिस और बदमाश एक बार फिर आमने सामने। दरअसल आपको बता दें, यह पूरा मामला थाना औरंगाबाद क्षेत्र का है, जहाँ मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि एक कुख्यात बदमाश पिपाला नहर की ओर बढ़ रहा है। स्वाट टीम और औरंगाबाद पुलिस ने सूचना मिलते ही चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। शक के आधार पर जैसे ही पुलिस ने एक बाइक को रोकने का प्रयास किया तो बाइक सवार बदमाश ने पिपाला नहर की ओर बाइक को बढ़ा दिया। पुलिस को पीछे आते देख बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक सिपाही घायल हो गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई, घायल हो गया। हाल फिलहाल में बदमाश को टी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह कोई मामूली बदमाश नहीं था, बल्कि 25,000 का इनामी बदमाश मनीष उर्फ एंडा था, जिसके पास से एक कारतूस और बाइक बरामद की गई है। कैमरामैन ऋषभ के साथ शुभम शर्मा, टाइम 24 न्यूज, बुलंदशहर। हमारी खबर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।